लो वोल्टेज जर्जर लाइन का टूटना, भारी भरकम बिल आदि समस्याओं को लेकर विद्युत उपभोक्ता संघ मुखर दिखा। बुधवार को इस मामले को लेकर संघ के पदाधिकारियों को अधिशासी अभियंता को मांग पत्र सौंपा। इसके लिए चेतावनी दी गई, अगर समस्याएं ना निपटी तो घेराव प्रदर्शन होगा। ज्ञापन देने के बाद विद्युत उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष मिश्रा ने आई इंडिया को मामले की जानकारी दी। कार्यक्रम में विद्युत उपभोक्ता संघ अध्यक्ष आशीष मिश्रा, आकाश मिश्रा, माहिर रिजवी, एहतिशाम बेग, निर्भय आदर्श रामशरण आदि उपस्थित रहे। ये ज्ञापन नहीं था, ये था बिजली विभाग के अधिकारियों का घेराव। घेराव हुआ एक्सचेंज साहब का बाहर, चूँकि विद्युत उपभोक्ता सीतापुर नगर और जनपद का बहुत परेशान है। रोज़ 15-15 मिनट ट्रिपिंग है, लो वोल्टेज है, ट्रांसफार्मर खुले पड़े हैं, खंभे गल के गिर रहे हैं, उपभोक्ता फ़ोन करते हैं कोई फ़ोन नहीं उठाता, लोगों का बिलों बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहा है, नए नए मीटर लग रहे हैं, तूफानी गति से चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, बिल का संशोधन होता नहीं है। पहली बार विद्युत उपभोक्ता इतना परेशान है। जब ऊर्जा मंत्री सीतापुर दौरा करके गए तो कह के गए 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय पे नहीं मिल रही है, बार बार ट्रिपिंग हो रही है, बिजली कट रही है हर घंटे। इन सारी समस्याओं को लेके आज हम लोग सांकेतिक रूप से आए। आज सांकेतिक घेराव था, अगली बार घेराव होगा तो दसियों हज़ार आदमी यहाँ पर होगा, और अगर कोई लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जनपद में या नगर में क्रिएट होती है तो जिम्मेदारी बिजली अधिकारियों की होगी। ये बताने के लिए आज इनको ज्ञापन दिया गया है, मांग पत्र दिया गया है, जन सुनवाई हुई। इसके पहले खुला मंच लगा जिसमें जागरूक नागरिक मंच, विद्युत उपभोक्ता संघ, व्यापार मंडल सारे लोग थे। उस जन सुनवाई की तमाम समस्याएं, मैं बिजली विभाग के एक्सीएन साहब की तारीफ करूंगा कि उन्होंने जन सुनवाई में आई समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया। खैराबाद की समस्या का निस्तारण, गुरु नानक कॉलोनी का निस्तारण, चौबे टोला में खंभा जो टूटा गल रहा है, जितेंद्र मेहरोत्रा जी लेके आए उसका निस्तारण, हमारे जो नगर के अध्यक्ष लेके आए उनका निस्तारण, एक हाई टेंशन लाइन जो मुर्गे वाली गली से लेकर तड़कनाथ मंदिर तक है उसको हटाने पर सहमति, और कल एक्सीएन ने ऑन स्पॉट वहाँ पर दौरा करने का विद्युत उपभोक्ता संघ के साथ आश्वासन दिया है। तो ये जन सुनवाई इसलिए थी और मुझे लगता सफल रही, लेकिन बिजली विभाग उपभोक्ताओं को सुने, यही हम लोगों का कि जो उपभोक्ता देवो भव लिखा है उसका पालन जरूर करें, हम आपका सहयोग करें, आप हमारा करें, इसी को लेकर आज समस्त संगठनों का ये प्रदर्शन था।